आज मैं आपको इस वीडियो में उस हीरो के अपकमिंग मूवीज के बारे में बताने वाली हूँ और उस हीरो की मूवीज जो आ चुकी है उनके बारे में बताने वाली हूँ। वो हीरो को कहा जाता है कि इकलौता एक ऐसा हीरो है जिसके अंदर जो कहते हैं कि कमांडो बनने की असल ताकत है। कौन है वो हीरो? जिसके फादर एक पूर्व आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं और इसी के साथ ये हीरो एक असल में कमांडो है। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। कमांडो मूवी के बारे में आपने सुना होगा, नहीं तो ये मूवी देखी होगी। क्या इस मूवी के हीरो को आप जानते हैं? इनका नाम है विद्युत चांपाल। एक इनका नेकेड फोटोशूट भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विद्युत के जो मूवीज है कमांडो मूवी हो गई, इसके अलावा कई और मूवीज है जिनको लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं और इसी के साथ उनकी एक कुछ अपकमिंग मूवीज भी है जो आने वाली है। कुछ का ऐलान हो चुका है और कुछ का ऐलान नहीं हुआ है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ विद्युत चांपाल के बारे में, उनकी आने वाली कुछ मूवीज के बारे में और इसी के साथ कौन सी मूवीज उनकी सुपर डुपर हिट रह चुकी है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो उनकी मूवी आने वाली है। 23 फरवरी 2024 को उनकी मूवी आने वाली है क्रैक। इसमें जैकलिन फर्नांडिस, अर्जुन रामपाल और विद्युत चांपाल आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा IV-71 12 मई 2023 को ये मूवी आई थी। शेर सिंह राणा ये भी 2023 में आई थी विद्युत चांपाल की मूवी। और इसके अलावा अब मैं आपको उनकी कुछ ऐसी मूवीज के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि विद्युत चांपाल जिस तरीके के स्टंट करते हैं, कहा जाता है कि वो किसी भी स्टंट मैन का इस्तेमाल नहीं करते और इसी के साथ उनके जो एक्शंस होते हैं वो रियल होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कौन सी उनकी मूवीज है जो आप देख सकते हैं। सबसे पहले है खुदा हाफिज, ये 17 जून 2022 को आई थी। इसमें विद्युत चांपाल और इसी के साथ देवानंद भट्टाचार्य थे। इसके बाद कमांडो 3, ये तम वन ऑफ द बेस्ट मूवी कही जाती है बॉलीवुड की और इसी के साथ विद्युत चांपाल की भी बेस्ट मूवी कही जाती है। इसमें जो सीन्स दिखाए गए, जो एक्शन दिखाया गया है उससे आपको प्यार हो जाएगा। 6 सितंबर 2019 को ये रिलीज हुई थी। इसमें विद्युत चांपाल और आधा शर्मा मेन लीड में थे। जंगल ये मूवी भी बेहतरीन मूवी है, बहुत ही खूबसूरत मूवी है। ये 29 मार्च 2019 को आई थी। इसमें विद्युत, पूजा और अतुल ये स्टार कास्ट थे। इसके बाद बादशाह ये 1 सितंबर 2017 को आई थी और इसमें विद्युत चांपाल, ईशा, अजय और इमरान और इसी के साथ इलियाना डिक्रूज थे। इसके बाद कमांडो 2, ये मूवी भी बहुत ही बेहतरीन कही जाती है विद्युत चांपाल की। 3 मार्च 2017 को रिलीज हुई थी। इसमें विद्युत चांपाल, ईशा, आधा शर्मा और आदिल थे। तो ये विद्युत चांपाल की कुछ ऐसी मूवीज हैं जिनको अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। वैसे भी बॉलीवुड ने जो मूवीज है वो सब्जेक्ट बेस कहा जाता है कि अब लोग अच्छे अच्छे सब्जेक्ट लाने लगे हैं, लेकिन एक वक्त था जब बॉलीवुड में सिर्फ प्यार मोहब्बत को ही सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती थी, लेकिन अब कई सारे सब्जेक्ट में मूवीज बनने लगी और इसी के साथ कमांडो मूवी जो है जिससे विद्युत चांपाल को काफी ज्यादा लाइमलाइट मिली थी। तो मुझे लगता है कि आपको उनकी ये मूवी जरूर देखनी चाहिए और अगर आपने उनकी मूवी देखी है तो आपको कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ विद्युत चांपाल आपको कैसे लगते हैं, उनकी एक्टिंग कैसी लगती है, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। सिनेमा, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से रिलेटेड ऐसे और भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।